इस नौजवान की जिंदगी दे विच वड्डा टर्न आया, यू टर्न कहा जा सकता है। किस तरह एक चक्का चौंद वाली जिंदगी छड़ के गुरु दे नाल जुड़े हैं, पर जो तुसी गुरु दे लड़ लगते हो तो तुहाडी जिंदगी दे विच वड्डे परिवर्तन वेखण नूं मिलदे ने। इत्थे मोस्टली थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पिया जो कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या सीगा, ते उदों मैं लास्ट ईयर इत्थे आया होया सी, ते कौमी इंसाफ मोर्चे च आ के थोड़ा ज़्यादा पता लग्या। रीज़न बीइंग बिकॉज सारियां इत्थे पोलीटिकल पार्टीज सीगियां, रिलीजियस पार्टीज सीगियां, बाकी होर अपने जिन्ने भी छोटे वड्डे धड़े ने, ते ओह किद्दां आपस मतलब इक छत थले सारियां नूं जाणन दा मौका मिलिया। जिहड़ा खालसा ही जिहड़ा बाणा है उहदा इह है कि मेन साडा हैगा कि असीं बाणी और बाणी नाल जुड़ना है, ते अज दे टाइम च हो की रहा है कि असीं नो डाउट बाणी नाल तां जुड़दे हैं और विच इज़ वैरी गुड, और जुड़ना चाहिए भी हैगा, पर आपां बाणा किते ना किते पिछे छड्डदा, ते गुरु ने यही कहा सीगा कि असीं बाणा भी नाल रखना है। जदों मैं रोडा सी उदों मैनूं लगदा सीगा कि मैं मेरे तो वड्डा सिखे कोई नहीं हैगा, मतलब यू नो गुरुद्वारा साहब चल जाना वंस इन अ वीक ऐ लगता कि यार असं भी सीखे ये है वो है ना, बट ये चीज़ा उदों क्लीयर होंदिया ने जदों तुसीं अपनी हिस्टरी पढ़ते हो। परिवार को एक बार तो लग्या कि ये किहड़े चक्करां च पै गया, मतलब यू नो व्हाट्स रोंग विद हिम, पर मेन यही है कि मैनूं लगता कि ये वाहिगुरु की ही कृपा होंदी है, वाहिगुरु आप तुहानूं बुलांदे ने आप लैके आंदे, ते असीं तां कुछ भी नहीं हैगे, क्योंकि जब एक एक चीज़ एक एक सांह असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरु की सॉर्ट ऑफ परमिशन नाल ही लै रहे हैं, तो अपना तो कुछ भी नहीं हैगा। कई बार जो अपना यूथ है उन्होंने लगता है कि पता नहीं क्यों पुरानी सोच वाली गल्लां करन लग पए ने, इहो जिहा कुछ नहीं हैगा कि जिहड़ी अज दी लाइफ स्टाइल है वह भी मैं जीया, वह भी सारा वेख्या है ना, पर अपने पंजाबी नूं पंजाबीयत नूं किते पिछे छड्ड जाना और अपनी खालसाई रौह रीतां नूं पिछे छड्ड देना, उस च मैनूं लगता है वह मॉडर्नाइजेशन नहीं हैगी, वह जस्ट एक दूजे कल्चर का अपने कल्चर के उत्ते प्रभाव है। देखो स्कूल च भी कोई जमदा ही सारियां क्लासेस नहीं कर जाता, स्कूल च एडमिशन लेनी पैंदी है, दैन उस तो बाद तुसी वन बाय वन करके तुसी क्लासेस अपग्रेड करते हो, उदा ही यह जो अपना सिखी का स्कूल है, तो जदों तक असी अमृत शाह छक के माणा बाणी के धारनी नहीं बनांगे सानू अपनी पंजाबीयत बारे अपने खालसाई रौहरीतां बारे किदां पता लगेगा। नहीं डेफिनेटली देखो ये जड़ी स्टार्टिंग है ये तो उदों ही हो जाती है जदों जड़ी माँ बाप की परवरिश है उत्थों कि तुहानू तुहाडी जड़ी अपब्रिंगिंग है तुहाडी एक तुहानू किद्दां उन्होंने टीचिंग्स जड़ियां हैगियां फ्रॉम योर चाइल्डहुड किद्दां दित्तियां ने है ना, तो डेफिनेटली वो टीचिंग्स जड़ियां हैं वो सारियां अपनियां एक खालसा रौह रीतां दे नाल और अपने गुरुआं दी सारी जड़ी है मेन हिस्ट्री नूं मुड़ रख के और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जो भी अपना अपार कृपा है ना उन्हां दा सदका घर च पूरी सिखी सीगी, ते पर ये है कि मैं बैप्टाइज्ड नहीं सी, ते बाहर जाके नो डाउट कई बार हुंदा सीगा कि अपना पंजाब हैगा अपनी अपना कल्चर है अपने एक ट्रडिशन है अपनी वैल्यूज़ ने, पर इत्थे मोस्टली थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पिया जदों कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या सीगा, ते उदों मैं लास्ट ईयर इत्थे आया होया सी, ते कौमी इंसाफ मोर्चे च आ के थोड़ा ज़्यादा पता लग्या। रीज़न बीइंग बिकॉज सारियां इत्थे पोलीटिकल पार्टीज सीगियां, रिलीजियस पार्टीज सीगियां, बाकी होर अपने जिन्ने भी छोटे वड्डे धड़े ने, ते ओह किद्दां आपस मतलब इक छत थले सारियां नूं जाणन दा मौका मिलिया, ते कई चंगे भी सी कई माड़े भी ने, ते उदों हौली हौली फिर होर अपने कल्चर बारे पता लग्या, होर अपनी सिख वैल्यूज़ बारे पता लग्या, ते अपने निहंग सिंह जथेबंदियां इत्थे आईयां होईयां सी जिहड़ी अपनी अकाली फौज है, ते होर कंसैप्ट्स क्लीयर होए, ते इदां हौली हौली जिहड़ा एक सफ़र सीगा हरदीप तो हरदीप सिंह खालसा दा, ते अज तुहाडे सामने हरदीप सिंह खालसा खड़े है। पर हरदीप जी बहुत सारियां चीज़ां होंदियां जदों चेंजेस होंदियां, एक तां हुंदा है लाइफ स्टाइल दा बदल जाना, कपड़े पाउण दा स्टाइल बदल लेना वो वक्खरी गल है, पर खालसाई रूप दे विच आउणा एक सोच दा डाइवर्ट होना, बहुत सारिया चीज़ा बहुत सारे कॉन्सैप्ट तुहाडे दिमाग दे विच ओह गुजरते रहिंदे ने, क्योंकि जिंदगी जदों तुसीं हैरी वाली जिंदगी जी रहे सी न्यूजीलैंड दे विच सी तो वैसटर्न कल्चर है बहुत फंगी लाइफ होनी है तुहाडी, तो उसनू छड्डना किन्ना औखा रहा तुहाडे लई, तो ये सोच नू अपनाउणा शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर की तुसीं इसलिए संतुष्ट सी इसलिए तैयार सी?
नहीं डेफिनेटली देखो अब्रॉड जिहड़ा हैगा एक वैसटर्न कल्चर है वह डिफरेंट माया नगरी है ठीक है तो उत्थे नो डाउट जिहड़ी रिलेशन्स दी वैल्यूज हैगियां ने बट एनिया नहीं जिन्नियां अपने उरे अपने पंजाब च ने तो दूजी गल कि उत्थे दा जिहड़ा एक कल्चर है वह टोटली डिफरेंट होण करके तो किते ना किते अपने कल्चर की एक तांग एक जिहड़ी है चाहना रहिंदी रहिंदी है तो अपना जिहड़ा इत्थे दा सीगा जिहड़ा खालसा ही जिहड़ा बाणा है उहदा इह है कि मेन साडा हैगा कि असी बाणी और बाणे नाल जुड़ना है तो अज दे टाइम च हो की रहा है कि असी नो डाउट बाणी नाल तां जुड़दे हैं और विच इज़ वैरी गुड और जुड़ना चाहिए भी हैगा पर आपां बाणा किते ना किते पिछे छड़ता तो गुरु ने यही कहा सीगा कि असी बाणा भी नाल रखना है तो बाणी बाणा पंख पछाणा राइट तो ये आपां नूं नाल कंसैप्टस क्लीयर ही नहीं किए गए ता ही जिहड़ी अज दी अपनी नौजवानी है वह किते ना किते सिखिज़म तो दूर होंदी जा रही है बिकॉज जदों मैं रोडा सी उदों मैनूं लगदा सीगा कि मैं मेरे तो वड्डा सिखे कोई नहीं हैगा मतलब यू नो गुरुद्वारा साहब चल जाना वंस इन अ वीक ऐ लगदा सी कि यार असीं भी सिखे हैं ये है वो है ना बट ये चीज़ा उदों क्लीयर होंदियां ने जदों तुसीं अपनी हिस्टरी पढ़ते हो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जदों तुसीं गुरु की गल करनी है उन्हां नाल अपना एक कनैक्शन जोड़ना है उहदे लई अपना गुरु ग्रंथ साहब जी ने तो जिहड़ी सिख हिस्टरी है वह भी पढ़न की लोड़ है जिवें पंथ प्रकाश हो गए उन्हां दे दो भाग ने तो ता कि खालसे का भी रौह रीतां का रहनी बहनी का पता लगे औखा किन्ना होया इस सब दे विच ढलन दे लई क्योंकि एकदम 15 साल PR रहो तुसी न्यूजीलैंड दे विच तां उत्थे दा जिंदगी छड्डी आ तां औखाइयां आईयां सामने परिवार दा फैमिली दा किन्ना सपोर्ट सी नहीं परिवार नूं एक बार तां लग्गिया कि इह किहड़े चक्करां च पै गया मतलब यू नो वट्स रोंग विद हिम पर मेन यही है कि मैनूं लगदा कि इह वाहिगुरू दी ही कृपा हुंदी है वाहिगुरू आप तुहानूं बुलांदे ने आप लैके आउंदे ते असीं तां कुछ वी नहीं हैगे क्योंकि जद इक इक चीज़ एक एक साह असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी सॉर्ट ऑफ परमिशन नाल ही लै रहे हैं तो अपना तो कुछ भी नहीं हैगा जिस दिन आए हैं उस दिन भी उन्होंने कृपा नाल आए से और जिस दिन जाना है उस दिन भी ये बॉडी मिट्टी है इन्हें इतें ही रह जाना है तो मेन यही है कि असी की चंगा करके जाते हैं ताकि थोड़ा जिहड़ा नाम है एंड तक बाद भी थोड़ा नाम रहे जिहड़े नाम सपोज अज आपां एक अपने नॉर्मल गल्लों असी करते हैं अकाली बाबा फूला सिंह याद करते हैं महाराजा रणजीत सिंह याद करते हैं उन्होंने खालसा राज सीगा है ना जसदार बाबा हनुमान सिंह जी याद करते हैं किदा उन्होंने आके जंगा लड़िया उरे मोहाली च शहादतां पाईआं तो मतलब ये चीज़ा ने तो आपू अपने मोरल्स और वैल्यूज़ के उत्ते डेफिनेटली अपना स्ट्रेंथन रहना चाहिए ता कि कितने ना कितने असी जिहड़ी अपनी सोसाइटी है उस चंगा प्रभाव पा सकी और एक पॉजिटिव जिहड़ी है वाइब्स दे सकिए ताकि सारे रल मिल के रहन और सारयां दी इकट्ठे ही तरक्की होए पर हरदीप जी कोई स्पैसिफिक घटना तो होंदी है जिस दे नाल वो चीज़ कहने भी जिंदगी दा मेरा जिहड़ा मोड है वो हो गया कोई स्पैसिफिक घटना सीगी जिस ते तुहानू लग्या कि मैनूं हुण इह चका चौंध वाली जिंदगी आ सारा दिन घूमना फिरना क्लब्स घूमते होंगे जदों आप नौजवान तो तुम हूँ भी हो पर फिर भी देखा जाए तो वह कोई घटना सी जिस तो तुम यू टर्न लिया कि हाँ हूँ रुक जाना चाहिए मैनू मतलब जदों अमृत छकना सीगा उस तो 3-4 दिन पहला काफ़ी यहोजा फील होने लग पाया सीगा कि लाइक यू नो समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ तो वो चीज़ एक होंदी है कि तुसी कोई चीज़ पैसे नाल पूरी कर लो या अपने फैमिली मैंबर्स नाल या कोई होर जिवें कहीं बाहर घूम जाते हैं तो वो चीज़ा सारियाँ असी कर लिया सी है ना तो फिर कितना कितने लगता सीगा कि नहीं मतलब जिहड़ी चीज़ की कमी है वह एक अकाल पुरख वाहेगुरू की ओट आसरा बहुत जरूरी है एंड दैन 3 दिन बाद तो फिर विसाखी वाले दिन तो मैं अमृत छक ही लिया सीगा मतलब वो इन्नी चाहना एक वधी हुई सी कि नहीं अमृत छकना ही छकना है कि अंदरों ही एक जिवें आवाज़ होंदी है तो दैन मैं मोस्टली सॉर्ट ऑफ अपनी अंदरली जिहड़ी आवाज़ है उन्हूं सुनदा क्योंकि पता लग जाता है कि वैदर इफ यू आर डूइंग पॉजिटिव और नैगेटिव एक बार तुहानूं अंदरों आवाज़ जरूर आती है ना तो मैं तो यही कहूँगा कि सानूं सारयां नूं पॉजिटिव वाले पासे ही रहना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव करांगे तां ही अगों भी पॉजिटिव रिस्पोंस मिलेगा कोई खास हुंदा जिंदगी च उहदे नाल सलाह मशवरा कीता कि जिंदगी दा बहुत इंपोर्टेंट जिहड़ा कदम हुंदा है कि गुरु नाल जुड़ना इह अपने आप दे विचों वड्डी गल है नहीं डेफिनेटली मैं नहीं सलाह मशवरा तां किसे नाल नहीं सी कीता ते बाकी बस मन च इही सीगा कि अपना हुण अमृत छक लैणा और सिंह सज जाणा नौजवानों को कुछ कहना चाहते हो क्योंकि बहुत वड्डी गल है बाणी ते बाणे नाल जुड़न दे नाल बहुत सारी चीज़ों तो तुसीं दूर हो जाने हो कुरीतियां तो नशियां तो बहुत सारी चीज़ा होनी है तुसीं बहुत सारी चीज़ों अवॉइड कर दिंदे हो
जो तुसी इस सिखी स्वरूप चाहते हैं तो खास करके नौजवानों को कुछ कहना चाहते हो? डेफिनेटली कि देखो एक जिहड़ा अपना अज का सभ्याचार है वह सानू अपने ही कल्चर तो अपने ही ट्रेडिशंस तो बहुत दूर लेके जा रहा है एंड इट डजेंट मीन कई बार जिहड़ा अपना यूथ है उन्होंने लगता है कि पता नहीं क्यों पुरानी सोच वाली गल्लां करन लग पे ने इहो जिहा कुछ नहीं है कि जिहड़ी अज की लाइफ स्टाइल है वह भी मैं जीया वह भी सारा वेख्या है ना पर अपने पंजाबी पंजाबीयत किते पिछे छड़ जाना और अपनी खालसाई रौह रीतां पिछे छड़ देना उस मैं लगता है वो मॉडर्नाइजेशन नहीं हैगी जस्ट एक दूजे कल्चर का अपने कल्चर के उत्ते प्रभाव है तो जिवें अमेरिकन अपनी कंट्री बढ़न की बजाय टीवीज़ उन्होंने भेजते तो टीवी के थ्रू वो साडे बच्चों के माइंड बढ़ गए तो हिसाब न कि मॉडर्नाइजेशन जिन्हों आप सोचते हैं वह अपना उन्होंने माइंड नू ही कैप्चर कर लिया तो माइंड नाल किद्दां प्ले करते हैं अज के भी जिहड़े बच्चे ने अपने कार्टूनस इन्ना बिजी ने तो उही चीज़ां गल करते हैं बट उत्थे चाहिदा ये है कि असी अपने जिहड़ी पंजाब दी हिस्टरी है अपनी खालसाई हिस्टरी है वह अपने बच्चों नू समझाइए पढ़ाईए ताकि उन्होंने पता लगे कि साडी जिहड़ी एक्चुअल हिस्टरी है साडियां रूट्स हैं वो कित्थे ने और डेफिनेटली देखो जाना तो असी पूरे वर्ल्ड च किते भी जाके असी जॉब्स कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं वो तो अज का आई टी का युग है वर्ल्ड बहुत छोटा है इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल बॉल राइट बट चाहिए अपन ये कि जो असी कितने होर जावे जो सू अपनी हिस्टरी का पता होगा एंड दैन डेफिनेटली सू कोई बुद्धू नहीं बना सकता बल्कि असी उन्होंने दस सकते हैं कि साड़ी यह हिस्टरी है एंड दिस इज़ हाउ वी हैव ग्रोन अप एंड उस नाल की होएगा कि एक होर कल्चर भी साढ़े बारे पता लगेगा तो यूथ में यही मैं कहना चाहूँगा कि तुम बाणी और बाणे के धारनी बनो और सिक्खी नाल जुड़ो।